के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। आपत्तिजनक हालत में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ा, थाने ले जाने के क्रम में पुलिस को करना पड़ा ग्रामीणों के विरोध का सामना। नगर निगम के अर्बन प्लानर सिटी मैनेजर बोले, निगम क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार रहेगा जारी, सभी वार्डो क्षेत्रों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। हेल्थ फाउंडेशन ने शुरू किया त्रिदिवसीय निःशुल्क कोविन ऐप रजिस्ट्रेशन शिविर, पहले दिन 23 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। लॉकडाउन में सक्रिय हुए लकड़ी माफिया, धड़ल्ले से चल रहा है अवैध आरामित, पर्यावरण को प्रतिदिन पहुंचाया जा रहा है नुकसान। माले ने कहा, ऊर्जा मित्रों का शोषण बंद करे, नई कंपनी EMD डिजिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है करार। अब खबरें विस्तार से। आपत्तिजनक हालत में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ा। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों को भलक लगने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर होने पर दरवाजा खुलते ही युवक भागने लगा, जिससे मौजूद ग्रामीणों ने युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। इसके बाद दोनों को पेड़ के सहारे रस्सी से बांध कर रखा। इसी बीच इसकी सूचना बेंगाबाद पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम घटना स्थल पर पहुंची और प्रेमी युगल को अपने साथ अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और नहीं ले जाने देने लगे। इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दिया गया। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गिनारो पंचायत के छुटकी कुम्हरिया गांव की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक मामला धावाटांड गांव के निवासी 25 वर्षीय अविवाहित युवक और एक शादीशुदा 6 महीने की बच्चे के मां के बीच प्रेम प्रसंग का है। बीती रात जब युवक अपने प्रेमिका के घर में मौजूद था, तब इसकी भनक लोगों को लगी। लोग जब तक इकट्ठे होते, तब तक प्रेमिका ने दरवाजा खोल दिया और युवक भागने लगा, जिससे ग्रामीणों ने उसे घेर कर पकड़ा। पुलिस को सूचना मिलते ही SDPO अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों अधिक पुलिस जवान कैंप कर रहे थे। पुलिस के द्वारा युवक को थाने भी लाने का प्रयास किया गया। वाहन में बिठाते ही ग्रामीणों के द्वारा नगाड़े बजाकर ग्रामीणों की काफी भीड़ इकट्ठा कर ली गई और मजबूरन पुलिस को वाहन से उतारकर स्थल पर ही अपने संरक्षण में रखा गया। खबर लिखे जाने तक कुछ गणमान्य लोग, पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के द्वारा मामले को सुलटाने का प्रयास किया जा रहा था। गावा वन प्रक्षेत्र के विभिन्न जंगलों में इन दिनों लकड़ी की कटाई जोरों पर है और लॉकडाउन लगने की वजह से इन पर ना तो गावा वन क्षेत्र के अधिकारी ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही प्रशासन, जिससे लकड़ी माफियाओं को पेड़ काटना आसान हो गया है। वन विभाग द्वारा दी गई इस ढिलाई के कारण गावा प्रखंड के गावा व माल्टा में अवैध आरा मिलों का संचालन पुनः शुरू हो गया है। बताते चले कि गावा में कुल 2 आरा मिल व माल्टा में 1 आरा मिल अवैध रूप से संचालित है, जहां प्रतिदिन ट्रैक्टर व पिकअप वाहन के माध्यम से गावा व आसपास के जंगलों से पेड़ों को काट कर लाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश लकड़ी सखुआ, गम्हार, महुआ, सागवान, सलाई व अन्य कीमती पेड़ों की होती है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक गावा के जंगलों में हजारों से अधिक पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, जिससे जंगलों के अस्तित्व पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस संबंध में जब गावा वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आरा मिल के संचालकों को कई बार चेतावनी दिया गया है और बहुतों पर कार्रवाई भी की गई है, जिससे अब तक आरा मिल बंद थे। अब आरा मिलों के पुनः संचालन की बात सामने आ रही है, जिसके लिए वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। Thank you.
कोरोना वॉरियर्स के रूप में हेल्प फाउंडेशन ने राष्ट्रीय कोविड 19 वैक्सीनेशन अभियान शनिवार को बरगंडा सिहोडे नया पुल पर 29 जून से 31 जून तक चलने वाले त्रिदिवसीय निःशुल्क कोविन ऐप रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया है। इस कैंप में उन सभी लोगों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा गया है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं या जिनके पास एंड्रॉइड या फोन ही नहीं है। इस शिविर में पहले दिन महज 23 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया, जबकि शिविर में 39 लोगों ने विजिट किया। शिविर में आयोजक व संस्था के सचिव रितेश चंद्र के अलावे कार्यकर्ता प्रियांशु शेखर, समाज सेवी अजीत यादव, एडवोकेट गीतेश चंद्र के अलावे बेंगलोर लॉ कॉलेज की छात्रा वैष्णवी श्रीवास्तव, स्नातक की छात्रा नीलू कुमारी, चाइल्ड कोरियोग्राफर सपना कुमारी एवं गिरिडीह कॉलेज के कृष्णा कुमार का योगदान रहा। इन सब ने दो टोलियों में बंटकर सिहोडी सामुदायिक भवन मार्ग में जाकर एवं मार्ग में आते जाते पैदल राहगीरों एवं महिलाओं को टीकाकरण एवं शिविर के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मास्क विहीन गरीब लोगों को मास्क भी वितरित किया गया। संस्था के यंग वॉलंटियर्स टीम सिहोडी शिव मोहल्ला के आसपास घूमकर लोगों को जागरूक करते हुए निबंधन के लिए नया पुल के समीप लगे शिविर में जाकर निबंधन करने हेतु प्रेरित भी किए। बताया गया कि इनके प्रयास को देखते हुए और कई लोग इनकी मदद कर रहे हैं और इसकी गति को बढ़ाने हेतु अपने संस्थान में कैंप लगाने को आमंत्रित कर रहे हैं। कोविन ऐप पर निःशुल्क निबंधन पर सरकार को सहयोग देने के लिए प्रेरक संस्थान को विश्वास है। ऐसे ही लोगों का साथ मिलेगा तो अल्पावधि में ही जिले में कोविड टीकाकरण से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। वंदे मातरम, हम लोगों का प्रयास है कि कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन के बाद टीकाकरण लेना है तो इसमें बहुत सारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में खास करके अर्बन स्लम में ऐसे लोग हैं जो डिजिटली इतने साउंड नहीं हैं, इतने अवेयर नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कर अपना लोकेशन स्थापित कर सके। तो ऐसे में संस्था का प्रयास है कि कुछ जगहों पे जाकर, मतलब शहर में हम लोग 4-5 पॉइंट पकड़े हैं जहाँ पे हम लोग 2-3 दिन के लिए शिविर लगाएंगे और उस क्षेत्र के ऐसे लोग जो टीकाकरण रजिस्ट्रेशन के अभाव में नहीं कर पा रहे उनके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का शिविर लगाए हैं। प्रतिदिन अभी हम लोग लॉकडाउन अवधि में जो लॉकडाउन का जो छूट समय है 9 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग बैठेंगे। इस क्रम में जितने लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, वैसे भी लोग कम रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ हम टैग करके उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग सुनिश्चित करा देंगे। ताकि अभी देखिए सरकार ने जो किया है स्पॉट रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 18 प्लस का 25 का करना है एक सेंटर पर, वैसे ही 50 करना है 45 प्लस का। तो रेस्ट जो लोग होंगे और एक उनके पास ऑपरेटर है तो बहुत लंबा लाइन लगेगा, लेती होगा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनका टीकाकरण यहीं पर सुनिश्चित हो, यही एक प्रेरणा है। और इसी के साथ हमारे साथ आज पार्श्वनाथ आईटीआई जुड़ गया है, ये अशोका इंटरनेशनल का होटल मैनेजमेंट कॉलेज खुला है वो हमारे साथ जुड़ गया है, किरण पब्लिक स्कूल भी हमारे साथ इस मुहिम में साथ हो गया है। और हम सभी इन सभी जगहों पर एक 3-4 दिन के स्लॉट पे सभी जगह पे ये टीकाकरण शिविर लगा रहे हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन केवल करेंगे। सबसे पहले हम लोग किरण पब्लिक स्कूल में भी कुछ करा रहे हैं, कल से ही किरण पब्लिक स्कूल में भी अवेयरनेस चालू हो जाएगा। और ये हमारा प्रायोगिक है कि हम मैक्सिमम नंबर के आज भी बगैर माइकिंग के, हमारे पास कोई व्यवस्था उस तरह की नहीं है फाइनेंशियल, हम लोगों ने जा कर बात की है कम्युनिटी के बीच में और आते जाते ग्रामीणों को लोगों को बता रहे हैं कि टीका लें, यह सुरक्षित है और किसी तरह का हार्म नहीं है। और कैसे लेना है, कब आपका स्लॉट आएगा, और जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है उनको हम लोग बताएं कि हम लोग खबर जाके कर देंगे, क्योंकि ये अर्बन पेरीफेरी का ही लोग हैं तो उनकी सुविधा के साथ बस यही अभी प्रयास चल रहा है और यह लगातार 3 तारीख तक चलेगा जब तक कोविड नहीं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त कई प्रकार के सामाजिक कार्य संगठन के दिशा निर्देश पर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश की नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत
शनिवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा के समीर दीप, ज्योतिष शर्मा, संतोष गुप्ता, सुमित सिन्हा, डब्लू यादव, रीना शर्मा, अंजना मिश्रा आदि लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा के संगठन है के तहत अभी लगातार जब से कोरोना महामारी का दूसरा फेज आया है तब से हम लोगों ने झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार लगातार हमारी टीम के द्वारा जो पीड़ित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के बीच में सेवा कार्य लगातार जारी है और आगे भी ये जारी रहेगा। के तहत 28, 29 और 30 ये 3 दिनों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना था, रक्तदान शिविर का आयोजन करना था और आज हम लोगों ने गिरिडीह सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा झारखंड के द्वारा ब्लड शिविर का रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में आज मैं पहली बार ब्लड डोनेट की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कम से कम थोड़ा सा मैं लोगों के काम आ सकूं तो इसके लिए और मेरे सारे जो टीम है उन लोगों के द्वारा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया गया तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद देती हूँ। और ये सेवा कार्य जो है वो लगातार चला आ रहा है और मैंने फर्स्ट बार ब्लड डोनेट किया है, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा फील भी हो रहा है ब्लड डोनेट करने में। और यहाँ पे जितने भी युवा साथी हैं, युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, तब से मैं यही आग्रह करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें और बहुत अच्छा फील होगा। गिरिडीह जिले में घर घर जाकर बिजली का मीटर रीडिंग करने वाले 250 से भी अधिक ऊर्जा मित्रों का जबरदस्त शोषण हो रहा है। पहले ऊर्जा मित्र साई कंप्यूटर लिमिटेड नामक कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद अब एक नई कंपनी ने इस जिले का कार्य ले लिया है। नई कंपनी MD डिजिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आते ही सभी ऊर्जा मित्रों का पहले से भी ज्यादा शोषण शुरू कर दिया है। अनुबंध पर काम करने वाले ऊर्जा मित्रों ने नई कंपनी पर लगाया है आरोप, कहा कि पिछले 3 महीने काम करने के बावजूद भी उनका मेहनताने का भुगतान नहीं किया गया है। अभी लॉकडाउन के कारण उनकी परिस्थिति वैसे भी बहुत ही ज्यादा खराब है, ऊपर से नई कंपनी ने आते ही उनके ऊपर नए सिरे से तथा पहले से भी जोरदार तरीके से शोषण की चक्की चलाना शुरू कर दिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि नई कंपनी के द्वारा काम से हटाने की धमकी देकर प्रति ऊर्जा मित्र 15,000 रुपए की मांग की गई है, जबकि नई कंपनी के द्वारा सभी ऊर्जा मित्रों को रेगुलर करने की बात बोलकर उनसे नए सिरे से सर्वे भी करा लिया गया है, जिसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया है। इसको लेकर माले नेता राजेश कुमार यादव एवं राजेश सिन्हा ने कहा कि नई कंपनी चाहे जो भी हो, गिरिडीह जिले के बेरोजगार युवा जो पिछले 4 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, उन्हें हटाने की साजिश नहीं चलने दी जाएगी। बिजली विभाग के अधीन ठेका पर काम करने वाले ऊर्जा मित्र, जिनकी तादाद पूरे गिरिडीह जिले में करीब 250-300 है, ये लोग अभी जो नई कंपनी इसमें आई है, जिस कंपनी के तहत में अभी इनसे काम लेने की बात हो रही है, वो नई कंपनी इन लोगों का आते ही शोषण करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग को अभी पता चला है, ये लोग अभी पहुँचे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 माह से इनका पुराना जो इन्होंने काम किया वो इनको पैसा नहीं दिया है और नई कंपनी ने आते आते दबाव बनाया है कि अभी आप लोग को जो पहले पुराना वाला जो रेट आप लोग को मिलता था, जबकि कंपनी को जो कंपनी टेंडर लिया है उसको 8 रुपया मिलता था प्रति यूनिट पर, प्रति कनेक्शन पर, और इनको वो लोग 4.5 रुपया प्रति कनेक्शन पर भुगतान करते थे। नई कंपनी ने फरमान जारी किया है कि हम सिर्फ 4 रुपया ही तुम लोग को देंगे, काम करना है करो, नहीं करना है जाओ, जहाँ जाना है जो करना करो, हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा साफ कहना है कि अभी लॉकडाउन है और ऐसे भी लॉकडाउन रहे ना रहे, किसी भी एक परिवार को चलाने के लिए इस महंगाई के दौर में
कम से कम 25-30 हज़ार रुपया भी एक परिवार के लिए बहुत सामान्य बात है, लेकिन एक तरह से सरकार ने साजिश करके एक तो परमानेंट किस्म का जो काम है, बिजली का काम कोई 2 दिन का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है, बिजली का काम एक अस्थाई काम होता है, लेकिन इस अस्थाई काम में भी टेम्प्रोरी वर्कर बहाल करके इन लोगों का शोषण के चक्की में धकेलने का जो काम सरकार ने किया है, हम इसका निंदा करते हैं। और अभी जो नई कंपनी आई है और वो जो इन लोगों को धमकी दे रहे हैं और उन्होंने जो कहा है कि तुम लोग 15 हज़ार रुपया करके हमको रिश्वत दो तब तो तुम लोग को रखेंगे और नहीं तो निकाल लेंगे, हम भाकपा माले के तरफ से, AICCTU की तरफ से, झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के तरफ से उन ठेकेदारों को या उनके पेटी ठेकेदारों को हम स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इन गरीब ऊर्जा मित्रों से अगर शोषण करने का उन्होंने कोशिश किया, यदि इनको काम से हटाने के नाम पर उन्होंने कोई नाजायज पैसा अगर इनसे मांग किया तो हमारी पार्टी उनको कभी बख्शने वाली नहीं है। ठीक है, अभी कोविड का प्रोटोकॉल लागू है, हम लोग अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना पड़ेगा हम लोग इनके लिए करेंगे। भाकपा माले इस तरह से मजदूरों के और नौजवानों के शोषण होने पर हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिजली विभाग के पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि तत्काल इसको संज्ञान में लें, और जो इनको धमकी दे रहे हैं 15 हज़ार रुपये इनसे रिश्वत मांग रहे हैं, जिन्होंने इनसे 3 महीना काम करवा के पैसा नहीं दिया है और अभी फिर से काम देंगे उसके लिए जो सर्वे करवा लिया है उसका भी पैसा नहीं दिया है, ये सारे चीज पर वो संज्ञान लें और कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग तो वो ठेकेदार को बाद में पकड़ेंगे, हम लोग पहले बिजली विभाग के GM और ESC के कार्यालय में हम लोग जाकर के धरना में बैठ जाएंगे। इन्हीं सब का निर्णय भी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। यहाँ भाकपा माले के साथ ऊर्जा मित्र जो है, जो आपके घर में जाके बिल लेते हैं, काटते हैं रोज़, हर एक महीने बड़ा प्यार से बात करते हैं, और उनकी जो तकलीफ है उन तकलीफ़ों को बताने के लिए आए हैं कि उनको पिछले 4-5 महीने से पैसे नहीं मिले हैं, और जो पुराना उनके ठेकेदार थे वो तो धमकी देते ही थे, साथ में अभी नया जो बना है कॉन्ट्रैक्टर जो नया बना है वो साफ साफ कह रहे हैं कि 15 हज़ार घूस दो तब तुमको रखेंगे और घूस नहीं दोगे तो दूसरे को बना देंगे। इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया बिजली विभाग को, हम भी बिजली विभाग को ये चेतावनी देते हैं भाकपा माले के तरफ से कि अपने ठेकेदार को जल्द से जल्द सुधार लें, वरना कोविड और कोरोना को भूल जाएंगे और हम लोग सब के साथ यहाँ जो पूरा जिला में 240 लोग हैं इनके साथ पूरा गैप मेंटेन करके, सरकारी नियम को मेंटेन करके हम अपनी मांग को रखेंगे कि हमारे पेट पर जो लात मारेगा हम उसको लात मारने का काम करेंगे। दूसरा, वो ठेकेदार जो धमकी दे रहा है बार बार और उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि हम निकाल देंगे, हम उनको बोलते कि थोड़ा औकात में रहिए और तरीके में रहिए, इस तरह का भाषा यदि गिरिडीह में कोई भी यूज करेगा और किसी भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को तंग करेगा तो उसको उसी के स्टाइल में भाकपा माले जवाब देगी। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए नगर निगम के द्वारा लगातार निगम क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम प्रयास कर रही है कि हर एक वार्ड में सैनिटाइजेशन हो, इसको लेकर लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों, दुकान और चलती हुई गाड़ियों का सैनिटाइजेशन किया गया। नगर निगम के अर्बन प्लानर सिटी मैनेजर मंजूर आलम ने बताया कि सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा। नगर निगम गिरिडीह के द्वारा इस कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले अप्रैल माह से ही हम लोग लगातार सैनिटाइजेशन का काम पूरे शहर में करवा रहे हैं और अभी भी ये काम अनवरत जारी है। सभी वार्डों को हम लोगों ने कवर कर लिया है, मार्केट प्लेसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसको अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। पुनः दोबारा हम लोग सभी वार्डों को एक एक करके कवर करने का काम जारी रखे हुए हैं और ये तब तक चलते रहेगा जब तक ये कोरोना महामारी से गिरिडीह शहर पूरी तरह से निजात ना पाले। निगम इसमें पूरी तरह से तन्मयता के साथ पूरी तरह से अपने कर्तव्य को निभा रही है और ये सैनिटाइजेशन का काम आगे भी चलता रहे। Thank you.
धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत धनबाद गया रेलखंड चिचाकी स्टेशन स्थित रेलवे फाटक संख्या 18 सीटी के समीप अधिकृत भूमि को शनिवार को रेलवे ने खाली करवाना प्रारंभ कर दिया। ज्ञात हो कि रेलवे ने नई कॉरिडोर बनाने के लिए अनेकों रायतों से भूमि अधिग्रहण की थी तथा उचित मुआवजा का भुगतान तकरीबन 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया था। उक्त भूमि पर बने घर मकान एवं दुकानों को खाली करने के लिए अनेकों बार नोटिस के माध्यम से सूचना देती आ रही थी। इसी आलोक में आज बाध्य होकर कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन के सहयोग से तोड़ना प्रारंभ कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों को स्वेच्छापूर्वक अपने मकान दुकान को खाली करते हुए भी देखे गए। फाटक के समीप मुख्य रूप से किशोर महतो, नागेंद्र महतो, गोविंद महतो, शिबू महतो और राजेश महतो की दुकान और मकान थी। कैसा लगा आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। हाय, आपके साथ मैं हूं शशि सिन्हा। न्यूज़लाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें न्यूज़लाइन के साथ।